इस व्लॉग के जो हीरो, जो किरदार, जो सरप्राइज दाता हैं, वो हैं पापा। इन्होंने मेरे से भी सीक्रेट रखा, मैं फिर वेट तैयार हो एंड वॉच। जाएगी। डबल धमाका दिया आपको, एक बड़ा सारा बना के। ओ मम्मी को क्या है कि छोटी चीजें कम ही पसंद आती है, ग्रैंड चीजें पसंद पसंद नहीं है। तो ये आती है पापा ने छोटी। है पापा ग्रैंड ही बना के दे दिया। और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज कुक बुक पे। और मेरे घर में सुबह का समय है और आप जानते हैं सुबह का समय कितना व्यस्त होता है। राधिका स्कूल जा चुकी है और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। और यहाँ पे दूध लेके आए थे इसके पापा, तो दूध गर्म हो रहा है। और साथ ही साथ मैं नाश्ते में बना रही हूँ अजवाइन की पूरी, जो कि दादी सा को बेहद पसंद है। और उसमें थोड़ा सा मोइन भी डाल देती हूँ, हल्की सी नमक मिर्ची और अजवाइन डाल के, मोइन डाल के मैंने पूरी बनाई। अभी आपने देखा मैंने फ्राई किया, और वो अचार के साथ, दही के साथ या किसी भी चीज के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगती है। सफर में भी ले जा सकते हैं, टिफिन में भी ले जा सकते हैं, और दादी सा को बेहद पसंद है, आराम से खा सकते हैं बूढ़े लोग। तो इसलिए कभी कभी बना देती हूँ, कभी कुछ पोहा, कभी उपमा, कभी ब्रेड रोल, ऐसे चेंज करके, जैसे बूढ़े लोगों का स्वाद थोड़ा सा अच्छा हो जाता है मुंह का, तो मैं उसी हिसाब से उनको नाश्ता देती हूँ। तो चलिए फिर अब आगे की कार्रवाई कर लेते हैं, क्योंकि जब पूड़ियां तो बन चुकी है नाश्ते की, और अब और आगे मैं क्या क्या सब्जियां बनाऊंगी वो आपको बताऊंगी। निपट गया है, पूड़ियां खा ली है सबने सुबह ही सुबह। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जियां। तो सब्जी बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रख दी है शिमला मिर्ची थोड़ी सी काट के, और सबके अलग अलग चॉइस होती है। अर्जुन अपना कुछ अलग खाता है, तो उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी सब्जियां बना लेते हैं। इसके पापा को आलू शिमला मिर्ची पसंद है, तो शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, प्याज सब मैंने कद्दूकस कर दिया। वो मैं डालूंगी कोफ्ते की ग्रेवी में, अदरक लहसुन की पेस्ट भी ग्रेवी में, थोड़े कोफ्ते, लौकी का छोटा टुकड़ा बचा था। तो इस तरह से आप सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सांभर में डाली थी लौकी, थोड़ी सब्जियां डालते तो थोड़ा आधा मैंने डाल दिया तो आधा बच गया। जिस तरह से हमारा छोटा परिवार है, बड़ा परिवार होता है तो ज्यादा भी लगती है, तो थोड़ी थोड़ी भी सब्जियां बनाते हैं तो काफी होती है। तो दो तीन सब्जी बनाती हूँ। अब जैसे लौकी बच गई, उसको छील के कद्दूकस करके मैंने कोफ्ते बना दिए, तो एक ग्रेवी की सब्जी बन जाएगी कोफ्ते की, एक थोड़ी सूखी सब्जी आलू शिमला मिर्च की। जैसे कोफ्ते की सब्जी दादी सा को पसंद है, आलू शिमला मिर्च इसके पापा को पसंद है, और दो सब्जी बन जाएगी। तो सभी परिवार वाले अपने अपने पसंद की सब्जियां खा लेंगे, और थोड़ी बहुत सब्जी पड़ी रहती है उसका भी उपयोग हो जाता है। जैसे शिमला मिर्ची पड़ी है, लौकी पड़ी है, मिक्स करके हमने बना दिया। कई बार छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं कि भाई आज ये सब्जी ज्यादा नहीं, गोभी को, किसी को मटर को, आलू को मिक्स करके बना ले। जैसे गोभी बनाते हैं खाली, आलू बनाते तो आलू गोभी मटर मिक्स कर लेंगे, वो मैंने कल बनाए थे। इस बार मैं जब गोभी की सब्जी नॉर्मली जो हम रोज बनाते हैं तो वो भी आपको बताऊंगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। क्योंकि अभी गोभी का मौसम चल रहा है, मटर का मौसम चल रहा है, और जो मौसम के अनुसार सब्जियां आती है वही आप बनाएंगे तो वो ज्यादा टेस्टी लगेगी। जैसे कि कोल्ड स्टोरेज की आती है वो ज्यादा स्वादिष्ट नहीं लगती, अभी जो मौसम चल रहा है तो उसके अनुसार आप सब्जियां खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और हेल्दी भी होगी। तो चलिए अब आगे का काम निपटा लेते हैं। तो जीरा डाल देते हैं अंदर, और अब बनाएंगे हम आलू शिमला मिर्ची की सब्जी। तो थोड़ा आलू तो वैसे ऑलरेडी मेरे बॉईल किए हुए हैं, छील के मैंने काट दिए, तो शिमला मिर्ची डाल देते हैं, हल्की सी शिमला मिर्ची को पका लेंगे, और हरी मिर्ची भी डाल दी, थोड़ी स्पाइसी हो जाएगा ये। तो एक हरी मिर्ची भी काट दी है, तो अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। एक दो मिनट तक फ्राई हो गई हमारी शिमला मिर्ची, थोड़ा सा एक टमाटर काट के रखा था वो डाल देती हूँ। कई बार बिना टमाटर के भी बना देती हूँ, और कभी कभी टमाटर डाल देते हैं थोड़ा चेंज हो जाता है, तो आज मैं टमाटर डाल दिया मैंने एक, और हल्का सा इसको फ्राई करके अब इसमें मसाले डाल दूंगी, और फिर आलू डाल दूंगी, क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉईल किए हुए हैं। तो अब इसमें मसाले भी मिला लेते हैं, तो नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, मसाले आप लोग अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और हल्दी पाउडर, और बिल्कुल मामूली सा आधी टी स्पून धनिया पाउडर। अब इन सबको मिला लेंगे। अब इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, अब इसमें डाल देंगे हम आलू। तो ये देखिए आलू के टुकड़े,
और इन सबको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा ऊपर से अमचूर पाउडर भी डाल दूंगी, हल्की सी उसमें खटाई और आ जाएगी। जैसे टमाटर तो डाला है वैसे, पर एक ऊपर से थोड़ा सा जब ये अच्छे से मिक्स होके थोड़ा एक दो मिनट पक जाएंगे तब इसमें थोड़ा अमचूर डाल देंगे और फटाफट से रेडी हो गई। देखिए आलू बॉयल किए हुए होते हैं तो फटाफट बन जाती है ये सब्जी। 4-5 मिनट तक हमने चला लिया, हमारी सब्जी रेडी है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे खटाई के लिए अमचूर पाउडर। यदि किसी को ज़्यादा खटाई पसंद नहीं है तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया इसके अंदर और अब इसको हम हिला लेंगे और फिर एक मिनट ऐसे ऊपर नीचे करते ही हमारी सब्जी रेडी। और यहाँ पे हो गया हमारा गैस ऑफ। तो देखिए कितनी झटपट से हमारी सब्जी तैयार हो गई। आप इसे लंच बॉक्स वगैरह में भी ले जा सकते हैं। सुबह सुबह यदि आपके पास समय नहीं है आलू बॉईल करके रख दीजिए और फटाफट से ये सब्जी बना के, और जैसा कि मैंने बताया अजवाइन की पूड़ियाँ बना के और ये सब्जी बना के ले जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगी, ऑफिस में भी कोई खाएगा तो वो आपके गुणगान करता हुआ थकेगा नहीं। तो आलू शिमला मिर्ची रेडी हो गई, तो फटाफट से कोफ्ते बना लेते हैं, ग्रेवी वाली एक सब्जी। तो लौकी के जो कोफ्ते हैं वो मैंने पहले ही लौकी कद्दूकस करके फटाफट बना लिए, नहीं तो लौकी काली पड़ जाती है। तो पूड़ी बनाने से पहले उसमें हमने कोफ्ते निकाल लिए। इस तरह से मल्टीटास्किंग हो जाती है कि पूड़ियां बनानी थी तो कोफ्ते भी बन गए। अब फटाफट से इसमें जीरा डाल देंगे थोड़ा सा और एक और एक तेज पत्ता। और ये जो घर के लिए सब्जी बना रहे हैं रोजमर्रा वाली, यदि आप पार्टी वार्टी के लिए बना रहे थे थोड़ा सा स्पेशली और भी खड़े मसाले डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा और क्रीम ऐड कर सकते हैं। वैसे लौकी के कोफ्ते की सब्जी प्लेन ही अच्छी लगती है जैसी अभी मैं बना रही हूँ, तो इस तरह से आप थोड़ा मसाला वगैरह ज्यादा डाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसके अंदर डाल देते हैं। ये भी जो प्याज है मैंने एक कद्दूकस के करके रख दिया था ताकि ग्रेवी में अच्छे से बन जाती है। ग्रेवी हमारी काट के भी डाल सकते हैं आप लोग, पीस के भी डाल सकते हैं। सारे ऑप्शन जो भी होते हैं मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, जो जिसको इजी लगे उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने तैयारी करके रख दी थी, तो फटाफट से हम सब्जी को छौंक देंगे तो हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और सब्जी भी बन जाएगी झटपट से। हाँ, प्याज हमारा फ्राई हो रहा है तो मैं एक चम्मच इसमें घी ऐड कर दूंगी। उससे क्या होगा कि सब्जी का टेस्ट दो गुना हो जाता है, सब्जी का एक बहुत ही अलग सा टेस्ट आ जाता है। तो देखिए मैंने घी थोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर। आप लोग चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, ये मैंने मेरी चॉइस है। और ये देखिए अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे अदरक लहसुन की पेस्ट। ये है मेरा होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट। आपको पता ही होगा फुर्सत के पलों में मैं अपना लहसुन वगैरह छील के रख देती हूँ, फिर उसकी पेस्ट थोड़ी सी अदरक मिला के और पेस्ट बना के रख देती हूँ, हल्का सा उसमें सॉल्ट डाल के। इससे क्या होता है कि जब भी सब्जी बनाते हैं हमको समस्या नहीं आती है। फटाक से फ्रिज में से शीशी को निकाला और सब्जी में डाल दिया हमारी ये पेस्ट। तो ये देखिए मुझे बाजार की पेस्ट पसंद नहीं आती है, उसके अंदर बहुत सारा जिंजर होता है और साथ ही साथ विनीगर होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो मैं घर पे ही बनाती हूँ हमारी होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है, इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन गया तो अब इसमें मिर्ची डाल देंगे। मिर्च मसाले यदि आप लोग देख रहे हैं जिंदगी, वैसे तो मेरी सारी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है और यदि आप ये देख रहे हैं ब्लॉग में तो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। तो मैंने हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर सब डाल दिया है ताकि मसाले भुन जाएंगे। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी दही। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दही रखा है, तो दही की खटाई इसके अंदर अच्छी लगती है। आप चाहें तो टमाटर भी ग्रेट करके, कद्दूकस करके या टमाटर प्योरी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जो ऐसे तरीका हमारा ट्रेडिशनल उसके अंदर हम दही डालते हैं। और चाहे तो थोड़ा दही और थोड़ा टमाटर भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी खटाई आपको पसंद है। तो मसाला हमारा भुन गया, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी आधी टीस्पून डाल दी कलर के लिए, बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा सा और भून लेंगे और फिर हम थोड़ा एक बार ये भून जाएगा फिर इसमें दही मिलाएंगे। हमारा थोड़ा मसाला भुन गया, अब बारी आती है दही डालने की। दही को अच्छे से फेंट लें ताकि उसमें दाने दाने ना रहें, वो बहुत ख़राब लगते हैं सब्जी के अंदर। और ये देखिए आप, दो चम्मच मैंने डाल दिया है और ये देखिए इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आंच को मैंने थोड़ा धीमा कर दिया, मिक्स करने के बाद हम वापस से आंच को तेज कर देते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल भी छूट गया है और बस थोड़ा सा और पका लेंगे और हमारी ग्रेवी रेडी होती है। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं और थोड़ा एक उबाल आते ही उसमें कोफ्ते डाल देंगे। तो बस हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। दही डालने के बाद एक दो मिनट पका लिया हमने और हम इसके अंदर थोड़ा सा भुड़का देंगे। हम जैसे कि राजस्थान में बोलते हैं भुड़का दो थोड़ा सा ऊपर मत, तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे हम हमारा होममेड गरम मसाला जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, बाजार का इतना फ्लेवर वाला नहीं होता है। तो डाल दिया मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी क्योंकि ये कोफ्ते हैं वो हमारे इस ग्रेवी को सोख लेते हैं। और जैसे कि आप पार्टी वगैरह के लिए बना रहे तो ग्रेवी अलग बना के रख दें, कोफ्ते अलग बना के रख दें, जब आप गर्म करें तभी कोफ्ते डालें, नहीं तो बिल्कुल कोफ्ते एकदम मेल्ट हो जाते हैं, उसके अंदर मिक्स होने लग जाते हैं एक दो बार गर्म होने पर। तो जब आप गर्म करें और परोसने वाले हों
तभी एक दो उबाले देके कोफ्ते मिला लें, तो कोफ्ते अलग बना लें और ग्रेवी अलग बना लें। जैसे मलाई कोफ्ता होता है और भी कई तरह के कोफ्ते होते हैं, तो उनको कभी भी साथ में न डालें पार्टी वगैरह के लिए। और जैसे हम खाने वाले हैं अभी सब्जी, तो हमारे लिए ठीक है कि हम अभी डाल देंगे। ये देखिए कोफ्ते डाल देती हूँ मैं, और अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसके अंदर जो हमारी जो ग्रेवी की है जो फ्लेवर है वो भी चला जाएगा और अंदर से एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे, ग्रेवी सोख लेंगे। और फिर हम इसको एक दो तीन उबाल आने के बाद बंद करके ढक देंगे। हमारे कोफ्ते की सब्जी रेडी हो गई, तो गैस को ऑफ कर देंगे और ऊपर से डाल देंगे हरियाली, यानी कि हमारा हरा धनिया, हरे प्याज भी डाल सकते हैं बारीक बारीक काट के। तो हरियाली के बिना तो सब चीज़ अधूरी होती है, इससे रौनक आ जाती है सब्जी में, टेस्ट भी बढ़ जाता है, फ्लेवर भी आ जाता है। तो देखिए आप, हमारी कोफ्ते की सब्जी बिल्कुल झटाझट से रेडी हो गई। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी पापा आपका भी स्वागत है। खैर, आज इस व्लॉग के जो हीरो, जो किरदार, जो सरप्राइज दाता हैं वो हैं पापा। आप लोगों ने मम्मी के चैनल पे, यानी कि इसी चैनल पे आपने एनिवर्सरी का वीडियो देखा होगा मम्मी की, है? तो उसमें क्या है कि आपने एक चीज नोट करी होगी कि पापा ने उस दिन कोई गिफ्ट नहीं दिया था, क्योंकि कंफ्यूजन था कुछ चीजों के अंदर पापा को। लेकिन अब वो चीजें फाइनलाइज हो गई, तो आज इस व्लॉग में पापा क्या गिफ्ट देने वाले मुझे तो पता पड़ गया है। मम्मी को किसी बहाने से पापा ने भेजा है कि तैयार हो जाना, कुछ काम है तो बाहर चल रहे हैं, मुझे पता पड़ गया। लेकिन आप लोग भी जब मम्मी देखेंगे ना, उसी के साथ में आप लोग भी देख लेना, मुझे तो पता ही है। खैर, अब तो पता ही है, मुझे भी नहीं बताया था पहले। क्या पापा को शक था कि पहले जाके बता देगा, ऐसा शक था पक्का ही था कुछ, तो इन्होंने मेरे से भी सीक्रेट रखा। लेकिन अब मुझे पता है, तो अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, सरप्राइज खराब नहीं करूंगा। अभी चलते हैं, मम्मी को बोला, मम्मी गई है, अभी नहा रही है मम्मी, फिर तैयार हो जाएगी। हाँ, तो आप बने रहिए ब्लॉग में, दिख ही जाएगा। तो भाई आ गई आपकी अपनी प्रमिला कुक बुक। हेलो फ्रेंड्स, अरे अरे अरे, ये तो हमारा सिग्नेचर वाली बात है, ये तो बोलनी थी। आज जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, अर्जुन ब्लॉग कर रहा है। मैं नहीं ले जा रहा, पापा ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई, काम है तो। हम तो क्या है कि वो है सारथी हैं, ले जा पापा रहे हैं, कार चलाने वाले। हाँ, सारथी बोलते ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं, सारथी रथ, अर्जुन का रथ। हाँ बस, हाँ तो मैं वही हूँ, सबको सारथी कहते हैं। अब जो सरप्राइज का बोल रहा था, वो सरप्राइज हाजिर है। आओ, हाँ तो ये है आपका सरप्राइज। ये तो ब्लॉट है, ये आपका ही है, ये आपका ही। और ये अर्जुन के पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है, सरप्राइज गिफ्ट, वो है प्लॉट। तो ये वहाँ से लेके और वहाँ तक जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये पूरा इतना बड़ा पीछे तक है। बड़े फ्रेम में दिखा देता हूँ एक साथ, यूँ समझ में नहीं आएगा, पीछे जाना पड़ेगा मुझे, और पीछे जाना पड़ेगा, वाइड एंगल कैमरा का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, तो ये है प्लॉट, अब वाइड एंगल कैमरा में दिख रहा है, ये जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से लेकर ये पॉइंट है। नॉर्मल क्या है कि कैम में आता नहीं, वो इसलिए वाइड एंगल का यूज़ करना पड़ा मेरे को। मेरे प्लॉट में जाती हूँ मैं खेती करने। कुकिंग के साथ साथ खेती भी। हाँ, उगाओ भी खुद ही और फिर बनाओ भी खुद ही। फिर बनाओ। आओ आगे आओ। ओहो, देखिए क्या सीन बन रहा है यहाँ पे। तो भाई ये कर लिया है प्रवेश मम्मी ने अपने नए ग्रैंड बड़े से प्लॉट के अंदर। पूरी बाउंड्री दिखाने के लिए क्या है, बार बार मेरे को पीछे जाना पड़ता है, वाइड एंगल का यूज करना पड़ता है। अब ठीक है भाई, मम्मी कैसा लगा? अच्छा लगा, तो पापा ने बोला था सरप्राइज है, तो मैंने सोचा पता नहीं कौन सा सरप्राइज है, तब इन्होंने प्लॉट दिखाया मुझे। ये ना कहते हैं, इन्होंने डबल धमाका दिया। हाँ, आपको एक बड़ा सारा बना के, बड़ा चाहिए था मेरे को कि छोटा नहीं चाहिए मुझे। मम्मी को क्या है कि छोटी चीजें कम ही पसंद आती है, ग्रैंड चीजें पसंद है। तो पापा ने है पापा ग्रैंड ही बना के दे दिया फिर, कि ये लो ग्रैंड। पहले वैसे आइडिया कुछ और भी था, एक बार अभी घर पे पहुंचते फिर बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद में इन्होंने ये वाला किया ना, ये मेरे को भी नहीं पता था, ये मेरे को इन्होंने बाद में बताया कि ये बता देगा। और क्या था आइडिया वो मैं आपको घर पे बताता हूँ, पहले गाड़ी चला लेता हूँ। घर पे आ गए हैं और सब जने हम चाय वाय पी रहे हैं, और समोसा आ गया है, मैंने तो खा लिया, आप दादी सा का समोसा आया है। तो भाई आप चाय पे तो बैठे हैं, जैसे मैंने गाड़ी में कहा था कि घर पे, क्योंकि मेरे को भी क्यूरियोसिटी है पापा, पहले तो प्लान कुछ और था, ये आज वाला भी आपने मेरे को भी बताया कि सरप्राइज गिफ्ट ये होने वाला है,
पहले क्या था वो मेरे को तो पता, लेकिन एक बार ऑडियंस को बताओ और मुझे भी बताओ कि चेंज कैसे हुआ। भाई पहले गाड़ी लाने का था। अच्छा, वो तो मेरे को पता था, वो तेरे को भी पता था। और फिर मैंने यूं ध्यान दिया, सोचा थोड़ा, मैं कि ये गाड़ी क्या है कि भीड़ भाड़ होती है, कहीं जाना होता है तो तुम तो स्कूटी लेके दौड़ जाते हो, ये गाड़ी तो इनकी यहीं पड़ी रहती है। तो मैंने कहा एक शो केस की तो शो पीस की तरह एक और गाड़ी आके खींच जाएगी यहाँ। तो मैंने क्या उसको फिलहाल टाल दिया, और जब जरूरत महसूस होगी जिस दिन कहोगे उस दिन ले आएंगे। फिर मैंने सोचा मैं क्या दूसरा कुछ करना चाहिए, वो दूसरा जो प्लान था वो तुझे नहीं बताया। ये तो मुझे, मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे वो पाचन क्रिया गड़बड़ होती है, मम्मी को बता देता। ये तो मेरी आदत है, क्या है कि वो तुझे नहीं बताया। और फिर सोचा कि सरप्राइज ही देना, जो जमीन का सरप्राइज दे, तगड़ी चीज है, दिखा दिया। नहीं, मैं तो ये बात मानता हूँ, ट्रैफिक होता है, मम्मी को पता है हम स्कूटी लेके निकल जाते, क्यों पार्किंग करनी पड़ती है, और उस गाड़ी को तो पता नहीं, और पार्किंग उसके लिए तो थोड़ी बड़ी ढूंढनी पड़ती, मेरे को तो इसमें ही छीके आती रहती है। और भाई देखो है ना, जमीन तो गाड़ी पे तो 100 गुना भारी है। कहाँ गई भाई मम्मी? मम्मी ये धनिया छोड़ के कहाँ चले गए आप? है ये धनिया आपको याद कर रहा है? धनिया बोऊंगी अब मैं जमीन में, फसल ले लाएगी। अब मम्मी देखो उगाओगे भी आप हैं, और उसके बाद में ना क्या कहते हैं उससे रेसिपी भी आप बनाओगे, पता है एक चीज नहीं बदलेगी। पहले अपने बाहर भी उगाती थी। सुनो तो सही, उगाओगे भी आप, रेसिपी आप, एक चीज नहीं बदलेगी, बताऊं क्या खाएंगे हम? उगाओगे तो इतने उग जाएंगे उस जगह पे कि मंडी में भेजने पड़ेंगे। हाँ, फार्म हाउस बनाऊंगी मैं। आगे पीछे का जो भी है दूर दूर तक सब खरीद लेते हैं, ट्रैक्टर चला देंगे उसमें। ट्रैक्टर भी मैं ही चलाऊंगी। ट्रैक्टर भी आप चलाओगे? कार चलाऊंगी नहीं, मैं सीधे ट्रैक्टर चलाऊंगी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जो कि मतलब उपजाऊ चीज से रिलेटेड करोगे। किसी ने नहीं किया। पापा क्या कहना चाहते? फिर तो आप गाड़ी की जगह ट्रैक्टर लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है।